में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे। आज 11 अप्रैल 2020 है और टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से आज का करंट अफेयर्स मैं लेकर आया हूँ। ये करंट अफेयर्स बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, पहले इंग्लिश उसके बाद हिंदी, इस तरीके से सिक्वेंस चलता रहेगा। ये IAS बैंक, SSC, RRBA एंड अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और भी हमारे क्लासेस चलते हैं, जैसे और भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ऑथर एंड बुक्स, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अभी चर्चा होती है हमारी, तो शेड्यूल देख लेते हैं। तो हमारे तरफ से टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल है, मॉर्निंग 8:30 AM करेंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं हम, आफ्टरनून 12 PM ऑथर एंड बुक्स के ऊपर बात करते हैं, इवनिंग 7 PM बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हमारी बात होती है, और इवनिंग 10 PM यानी रात को 10 बजे हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करते हैं हम। मेरा नाम तरुण शर्मा है। तो आज आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली सार्क डेवलपमेंट फंड एलोकेट $5 मिलियन फंड फॉर COVID-19 प्रोजेक्ट इन इट्स मेंबर स्टेट। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क के? इसाला रुआन वेरा कौन है? तो हिंदी में देख लेते हैं। हाल ही में सार्क विकास कोष अपने सदस्य राज्यों में COVID-19 परियोजना के लिए $5 मिलियन का कोष आवंटित करता है। सार्क के महासचिव कौन है? तो एसाला रुवाना बेराकोन इसके महासचिव है। कि अभी जो जो ये सार्क के लिए सार्क ने क्या किया है, माने ये सार्क के लिए जो हम बात करें, सार्क डेवलपमेंट फंड एलोकेट कर रहा है इतने रुपए अपने मेंबर्स स्टेट के लिए जो जो COVID-19 से बचाव किया जा सके। इसके 8 मेंबर है सार्क के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। आपको इस इन 8 मेंबर्स के नाम याद रखने होंगे, 8 सदस्य हिंदी में देख लीजिए। सो गाइस प्लीज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करिए, क्योंकि आप जब तक कनेक्ट नहीं रहेंगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं आएगा। और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर आप अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज फॉर ऑल द स्टेट एंड यूटी सो दैट दे कैन अवेल द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को बढ़ा दिया है, वो कितने दिनों तक है? वो है 21 दिनों तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिनों की संख्या में वृद्धि की है ताकि वे ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सके। तो वो कुल कितने दिन बढ़ा दिए गए हैं? 21 दिन बढ़ा दिए गए ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट आप निकाल सको। नेक्स्ट, विच क्लॉज वॉन्ट अप्लाई टू कोरोना वायरस डेथ क्लेम इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। किस कारण से आप कोरोना वायरस अगर डेट हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से, तो इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वहां से पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो है फोर्स मेजियर क्लॉजेस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोरोना वायरस डेथ क्लेम के लिए कौन सा क्लॉज लागू नहीं होता? तो है फोर्स मेजियर क्लॉज। On which day World Homeopathy Day is observed? World Homeopathy Day कब observe किया जाता है? किस दिन observe किया जाता है? 10th अप्रैल। इसके founder है Samuel Hahnemann, 265th anniversary हुई है इनके। तो founder Dr. Samuel Hahnemann, 265th जो है सालगिरह इनकी मनाई गई है। विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अभी मैंने discuss किया, 10th अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। शिक्षा और नैदानिक अभ्यास के लिए अनुसंधान को जोड़ना, वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाना, इसकी ये थीम है। फार्मासिस्ट्स कॉमनली नोन एज डैश आर डिलीवरी एसेंशियल सर्विसेज एंड मेडिसिन फैसिलिटी एट डोर स्टेप्स अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना PMBJP। ये किससे रिलेटेड है? ये स्वास्थ्य के सिपाही से, माने इसे स्वास्थ्य के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। तो आमतौर पर फार्मासिस्टों को डैश प्रधानमंत्री भारतीय जनधन योजना के तहत आवश्यक सेवाओं और दवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। किसके तहत? वह स्वास्थ्य के सिपाही के तहत ये प्रदान की जाती है। इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड IIL हैज पैटर्नड विद ग्रिफ University of which country of developing a vaccine for COVID-19? वो है ऑस्ट्रेलिया। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने किस देश के ग्रिफिथ
विश्वविद्यालय के साथ कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए पैटर्न तैयार किया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑपरेशन शील्ड लॉन्च इन विच इंडियन स्टेट और यूटी? ऑपरेशन शील्ड किस स्टेट में या यूटी में लॉन्च किया गया है? वो न्यू दिल्ली में। तो ऑपरेशन शील्ड किस राज्य, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है। ऑपरेशन शील्ड के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एस स्टैंड स्टैंड होता है सीलिंग ऑफ एरिया, एच स्टैंड होता है होम क्वारंटाइन, आई स्टैंड्स होता है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई स्टैंड्स फॉर इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, एल स्टैंड फॉर लोकल सैनिटेशंस, डी स्टैंड फॉर डोर टू डोर सर्वे। हिंदी में देख लेते हैं। एस एरिया की सीलिंग के लिए, एच होम संरोधक के लिए संरोध के लिए, आई संक्रमित मरीजों के अलगाव के लिए, ई आवश्यक सेवाओं के लिए, एल स्थानीय स्वच्छता के लिए और डी डोर टू डोर सर्वे के लिए। तो ये इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली में सील्ड है, सील्ड में एच रिलेट करता है किससे, तो चार ऑप्शन दे देंगे। ई रिलेट करता है किससे, चार ऑप्शन दे देंगे। तो आपको चार पांचों जो दिया गया है सील्ड, हर एक चीज का आपको मतलब पता होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़ हु डेवलप एन इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट टू अटेंड अ कोविड-19? योगेश कुमार साहू। तो छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्र का नाम है जिसने योगेश किस क्या नाम है उसका जिसने कोविड-19 में भाग लेने के लिए एक इंटरनेट रोबोट विकसित किया है, तो वो है योगेश कुमार साहू। ये रोबोट देख सकते हैं आप। रिसेंटली नासा हैज मार्क्ड द 50th एनिवर्सरी ऑफ विच मिशन विच दे नेम्ड एज सक्सेसफुल फेल्योर? अपोलो 13 सक्सेसफुल फेल्योर का 50th एनिवर्सरी मनाई गई है। हाल ही में नासा ने किस मिशन में की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है जिसे उन्होंने सफल विफलता के रूप में नामांकित किया है, तो वह है अपोलो 13। Which Indian state has become the first to extend lockdown till 13th April? वो कौन सा राज्य है भारत का जिसने 30 अप्रैल तक, पहला राज्य जिसने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, अनाउंसमेंट कर दिया है, वो उड़ीसा। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। ये पहला राज्य बन गया जिसने पहली लॉकडाउन की घोषणा की है। वैसे तो और भी है, राजस्थान ने भी की है, और भी स्टेट है, पंजाब भी है, जिसने लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन ये पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन की घोषणा सबसे पहले की। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश लॉन्चेस कोविड केयर ऐप टू कॉम्बेट कोविड-19। हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बी डी मिश्रा। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। कोविड केयर ऐप आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इनके राज्यपाल माने गवर्नर है बीडी मिश्रा। मुकेश अंबानी 17th नंबर पर है। तो अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स, फोर्ब्स एक मैगजीन होती है जिसके अनुसार बताया जाता है कि कौन रिच है, कौन माने कौन लो रिच है। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 34th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट, ये लिस्ट निकालता है, हु इज द एट द टॉप? तो टॉप पर कौन है? वो जेफ बेजोस, जो $113 के साथ हैं। तो मुकेश अंबानी 17 पे है। फोर्ब्स के अनुसार 34वीं वार्षिक दुनिया अरबपति सूची जो बनाई गई है, शीर्ष पर कौन है? वो जेफ बेजोस है। ऑबिचुअरीज माने जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, जो मर चुके हैं, वितरण इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट ब्रह्म कची बोतला पास्ड अवे ड्यू टू द कोविड-19। ही गॉट इन्फेक्टेड वाइल वर्किंग ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स इन यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। ये यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में काम करते थे, फील्ड पर ये मर गए हैं कोविड-19 की वजह से, क्योंकि ये फील्ड पर काम कर रहे थे न्यूज रिपोर्टर के रूप में। तो फॉर्मल रियल मैड्रिड एथलिको एंड बार्सिलोना कोच रोडोमीर एंटिक पास्ड अवे, ये इनका भी निधन हो गया है। फॉर्मर मध्य प्रदेश मिनिस्टर हजारीलाल रघुवंशी पास्ड अवे, ही वाज 6 टाइम एमएलए फॉर शिवनी मालवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हिंदी में देख लेते हैं श्रद्धांजलियां। वयोवृद्ध भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कचीबोतला का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। वे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई में ग्राउंड रिपोर्टर पर काम करते हुए संक्रमित हुए हैं। पूर्व रियल मैड्रिड एथलेटिको और बार्सिलोना कोच रेडोमीर एंटिक का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जो थे हजारी लाल रघुवंशी का निधन हुआ है। वे सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रहे हैं। आज का क्विज है, रिसेंटली ट्विटर सीईओ हैज प्लेस टू डोनेट $1 बिलियन टू कॉम्बेट विथ कोविड-19। हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर? ट्विटर के सीईओ कौन है आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है।
तो हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या है। हाल ट्विटर के सीईओ ने कोविड-19 के साथ कॉम्बैट के लिए $1 बिलियन का दान देने का संकल्प लिया है। ट्विटर के सीईओ कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। सो गाइस, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी मदद हो सके। हमारे यहाँ पर अब बहुत जल्दी हम एम लक्ष्मीकांत की सीरीज शुरू करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसका मतलब है इंडियन पॉलिटी को लेकर आप आपकी टेंशन लेने की दरकार नहीं, और इंडियन पॉलिटी हम इस तरीके से कवर करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी कवर होते जाएंगे। मतलब इंडियन पॉलिटी को लेकर अब हमें टेंशन नहीं लेना होगा। इंडियन पॉलिटी के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेशन तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर किया है आपने तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो गाइज, पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दी गई है, आप वहां जाकर पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।